गुड मॉर्निंग गाइस, तो हो गए हैं सुबह और आज स्पेशल डे है क्योंकि आज अंकुर का बर्थडे है, तो अंकुर की एक्साइटमेंट का लेवल अलग है। हैप्पी बर्थडे। आज क्या प्लान है तुम्हारे बर्थडे का? आज मेरी बेटी मुझे जो मैं बोलूंगा वो करेगी, मेरे पैर भी दबा देगी, मेरे लिए बढ़िया सा आइसक्रीम बना के देगी। नहीं नहीं, इनकी बस मशीन ऑन कर दूंगी, बस दबा लेंगे। तो चलिए, अब हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है और अंकुर को जाना है काम से ऑफिस के, तो बस अंकुर तो जा रहा है और हम लोग करते हैं बर्थडे की तैयारी। मैं रिटर्न गिफ्ट में किसी को चश्मा दिला दूंगा, मुझे नहीं चाहिए। और ये देखो झुम्स भी कितनी एक्साइटेड है डैडी के बर्थडे के लिए। तो देखते हैं व्लॉग में हम क्या क्या करेंगे। अगर आपको ऐसे ही मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हो गई है केक की तैयारी, सोचा थोड़ा बहुत तैयारी कर ले, बट मैं सोच रही हूँ पहले फ्रेश हो जाऊं और उसके बाद ये केक बनाऊं। तो यहाँ पे पैन वैन सब तैयार है, तो मैं आती हूँ तैयार होके। जो केक है मैंने बनाया है दही से, इसमें अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही, दही एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही लेना है। उसके बाद अब केक है तो मीठा तो बनाना पड़ेगा, तो उसमें डाला है पाउडर्ड शुगर और इन दोनों को आपस में मिला लेना है जैसे कि हम केक में करते ही हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे वनीला एसेंस, क्योंकि थोड़ा सा इससे फ्लेवर एनहांस हो जाता है, तो बस मैंने डाल दिया है यहाँ पे वनीला एसेंस। इसके बाद इसको फिर मिला दूंगी मैं। वनीला एसेंस मिलाने के बाद इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल ताकि जो केक का मॉइस्चर है वो अच्छे से बने। और यहाँ पे कुछ काम से मैं थोड़ी किचन से बाहर गई और मैंने अनंत्या को बोला कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दे, और वो बहुत स्वीट थी कि उसने मुझे हेल्प करा दी। और यहाँ पे मैदा देखिए डालेंगी हमारी अनंत्या। तो मम्मा ने मुझे 4 कप डालने के लिए बोला था, तो अब मैं वो कर रही हूँ। और मेरा भी थोड़ा मतलब पार्टिसिपेशन होना चाहिए पापा के बर्थडे में, इससे मैं कर रही हूँ। मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, मैं इंजॉय करती हूँ, तो इसलिए मैं ये कर। तो ये डाल क्या रहे हो पहले ये तो बताओ आप। मैं डालूंगी 4 कप मैदा इस केक में और उसको फिर विस्क करूंगी। ओहो, आपको पता है मम्मा कहाँ है? मम्मा पता नहीं कहाँ गई है, रेडी हो रही हूँ। मम्मी मैदा डाल दिया मैंने 4 कप, अब मैं विस्क भी कर रही हूँ, सॉरी विस्क भी कर रही हूँ। जब पापा आएंगे तो उनको ये शानदार केक मिलेगा, तो देखते हैं कैसा बनता है। और इतना मुझे भी पता है कि ऐसा जल्दी से ऐसे ऐसे विस्क करना है ना कि सारे लंप्स चले जाए। और अगर आप लोगों को ऐसा चाहते हो कि मैं भी और कुकिंग करूँ मम्मा के चैनल पे, तो जल्दी से हिट लाइक। और अब मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे लंप्स चले जाएँ, तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर पाऊँ। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध भी डालना है ताकि बैटर हमारा एकदम जो कंसिस्टेंसी हम चाह रहे हैं उसका बन जाए। तो यहाँ पे अनंत्या ने इसे बड़े अच्छे से कर लिया है। वैसे बुलाओ तो आती नहीं है, लेकिन अब अपने आप से शौक हो रहा है तो करना है। तो बस ये बिल्कुल तैयार हो गया बैटर, और अब इसको बेक करने डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास बड़ा सांचा तो नहीं था, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल सांचों से केक बनाऊंगी। और अभी सोच रही हूँ उसको कौन सी शेप दूँ। सोचा तो है कि ए शेप बनाऊं, लेकिन अगर माइंड चेंज हो गया तो देखते हैं कौन सी शेप निकल के आएगी। बट पहले केक बना के तैयार कर लेते हैं। इसके बाद जो नॉर्मल स्टेप्स होते हैं, जैसे कि ये टिन को मैंने ग्रीस कर लिया है, आप बटर पेपर भी लगा लें तो ज्यादा सेफ रहेगा, केक अच्छे से निकल जाएगा। इसके बाद जो बेकिंग पाउडर होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि जो इसका इफेक्ट होता है एकदम तुरंत इसे डालना होता है, और तुरंत डाल के मिलाएं और इसे बेक करने रख दें, क्योंकि जितनी देर हम इसको डाल के रखेंगे इतना इसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। केक का बैटर मैंने इसमें डाल दिया और इसे बेक होने में रख दूंगी। यहाँ पे मैं इसे 170 पे रख रही हूँ। मोड मैंने यहाँ बेकिंग वाला रखा हुआ है और इसको 25 मिनट के लिए सेट कर दिया है।
और केक बनाने के साथ साथ अनंत्या की एग्जाम्स भी चल रहे हैं आजकल फाइनल ईयर के, तो मैं उसको भी देखती हूँ, उसको ब्रेक दिया है, देखती हूँ क्या कर रही है। बंद करो अब ना, बंद करो, चलो ट्यूशन में। वो धमकी दे दी है 3:30 पे उसको ट्यूशन जाना है, तो अब 3:00 तक वो खेलेगी और फिर भागेगी। तो यहाँ आप देखेंगे ये अच्छे से हो गया है और बस 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा, तो बस इसे बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे ये रेस्ट हो रहा है और यहाँ पे मैंने लिए व्हिप्ड क्रीम। ये व्हिप्ड क्रीम लगभग 150 से 200 रुपए, 250 रुपए के बीच में मार्केट में मिलती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी व्हिप्ड क्रीम निकाल ली है और जितनी निकाल ली है उसे निकाल ले और इसे हल्के हल फ्रीजर में रख दे, क्योंकि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इससे अब हम ड्रेसिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रिज में रख दी है इसे, और इसे बस अब नॉर्मल होने देंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आइस जमी हुई है। साथ में अगर बहुत ही गर्म टेम्परेचर में हम इस केक को बना रहे हैं तो हम इसमें एक आइस का बेड बना लेंगे, लेकिन अभी मौसम थोड़ा ठंडा है तो वो शायद मुझे ना करना पड़े। तो बस ये ठंडे हो गए हैं तो मैं हाथों से ही निकाल रही हूँ इन्हें, कोई ग्लव्स की जरूरत नहीं है। सारे केक अच्छे से बेक हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये कितने इजिली से निकल गया, कुछ भी चिपका नहीं है और बटर पेपर भी था तो वो भी आराम से निकल रहा है। तीनों केक अच्छे से निकल गए हैं, तो अब देखते हैं कि हमें करना क्या है, कौन सी शेप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। या मेरे को लग रहा है कि मैं सिर्फ हार्ट शेप को अच्छे से डेकोरेट कर लूं, और ये केक तो कभी भी चाय के साथ भी खा सकते हैं, लेट्स सी। वैसे तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सब मैं क्या यहाँ पे कैलकुलेशन पे आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ पहले गत्ते पे ए लिख लूं और उसके बाद इसको काट के केक को उसके ऊपर रख के शेप दे दो। ये मेरा देसी हैक है जो मैंने अनंत्या के 4 मिलियन केक के लिए भी किया था। इसे अब 3 मिनट के लिए हम बीट करेंगे। मैं यहाँ पे बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे सिर्फ बीट करती हुई करूंगी, तब तक इसकी पीक ना आ जाए। तो चलिए करते हैं। इसे फ्रीजर में रख देंगे। तो केक जो थे उनको काट के हमने ए शेप दे दिया है, कोशिश की है कि ये ए आ जाए। थोड़ा सा अनइवन लग रहा है बट देसी तरीके से किया है तो यही शेप आया है। अब इसे मैं व्हिप्ड क्रीम से फैला के सजा दूंगी, तो चलिए व्हिप्ड क्रीम निकाल लेते हैं। यहाँ पे फ्रूट से मैंने इसको सजा दिया है क्रीम लगा के, सारी स्ट्रॉबेरी एंड कीवी। सोच रही हूँ पाइनएप्पल से बॉर्डर बना दूं और थोड़े से अनार स्प्रिंकल कर दूं, तो बस इतने ही अनार मैं लगाऊंगी। अब जो ये व्हिप्ड क्रीम बच गई है, इसमें आप छोटे छोटे फ्रूट्स को काट के फ्रूट क्रीम भी बना सकते हैं, तो हम वही करने जा रहे हैं ताकि अभी स्नैक्स या अभी खाने के लिए हमें कुछ मिल जाए। यार ये बड़ा हैक हमने आज अपनाया था केक ए शेप का बनाने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू। अनंत्या की फ्रेंड्स नीचे बुला रही है तो उसको नीचे खेलने जाना है, सिर्फ आधे घंटे की परमिशन मिली है खेलने के लिए, तो वो जल्दी से अब खेलने जा रही है। बाय बाय। तो देखा ये आपने कितना स्पंजी केक बनाया और हमने ये फ्रूट केक बनाया है नई वैरायटी के साथ। तो जब भी आप कोई नियर एंड डियर वन का बर्थडे आए तो जरूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।